हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वंडर साइटेक। आज हम इस प्लैनेट पर मोस्ट एनिग्मेटिक एंड सिक्योरिटी प्लेस में से एक एरिया 51 में डीप ड्राइव करने वाले। हम इस इनफेमस मिलिट्री बेस के आसपास की मिस्ट्री, हिस्ट्री और काउंटलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अनकवर करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एरिया 51 को एक्चुअल में समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन में वापस जाना होगा। एरिया 51 की ओरिजिन का पता 1955 में कोल्ड वॉर के दौरान पता लगाया जा सकता। सुंदर नावारा डेजर्ट में सिचुएटेड इस टॉप सीक्रेट फैसिलिटी की एस्टेब्लिशमेंट एडवांस इक्विपमेंट के टेस्टिंग और डेवलपमेंट के पर्पस से CIA और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा की गई। ये एक आइसोलेटेड लोकेशन है जो आम लोगों के नजरों से दूर एक आइडियल साइट है जहां क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ टेक्नोलॉजिकल आर्म्स की रेस में एंगेज। एरिया 51 ने इस रेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो उस टाइम के कुछ सबसे रिवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में कार्य कर रहा था। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में कैपेबल U-2 स्पाई प्लेन और अपनी स्पीड और कैपेबिलिटीज के लिए फेमस SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे रिनाउंड एयरक्राफ्ट एरिया 51 में डेवलप्ड और टेस्ट किए गए। कोल्ड वॉर के दौरान एरिया 51 में हुए एडवांसमेंट ने न केवल यूनाइटेड स्टेट को स्ट्रेटेजिक एज दी बल्कि एविएशन टेक्नोलॉजी में फ्यूचर इनोवेशन के लिए भी बेस रेडी किया। आज एरिया 51 सीक्रेसी में छुपा हुआ है, लेकिन कोल्ड वॉर एरा के दौरान एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के हब के लेगेसी में इसका एंथुजियास्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को समान रूप से फैसिनेट करती रहती। एरिया 51 के बारे में कोई भी डिस्कशन 1947 के इन फेमस रोजवेल इंसिडेंट को मेंशन किए बिना कंप्लीट नहीं होता। सीक्रेसी और क्लासिफाइड मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ एरिया 51 के एसोसिएशन ने पिछले कुछ वर्षों में काउंटलेस थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को हवा दी है। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑन दिस एनिग्मेटिक फैसिलिटी। कई UFO एंथुजियास्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए एरिया 51 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी और गवर्नमेंट कवरअप का सिनोनिमस है। उनका बिलीफ है कि बेस में एलियन टेक्नोलॉजी के एविडेंस है और पकड़े गए UFO पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी ओर हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स एडवांस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग और डेवलपिंग में एरिया 51 के रोल पर जोर देते हुए अधिक ग्राउंडेड प्रोस्पेक्टिव पेश करते हैं। उनका लॉजिक है कि बेस के सराउंडिंग की सीक्रेसी नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने और अपोनियन को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस गेन करने से प्रिवेंट करने के लिए एडवाइजरी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कंसिस्टेंटली एरिया 51 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी के एग्जिस्टेंस की नाइदर कन्फर्मेशन करना और ना ही डिनाई करने की पॉलिसी बना रखी है। बेस के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हुए वे UFO देखे जाने और एलियन इनकाउंटर के क्लेम को अनफाउंडेड स्पेकुलेशन के रूप में डिसमिस कर दिया है। डिस्पाइट दोज डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, वन थिंग रिमेन सर्टन, एरिया 51 पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता है और एंडलेस स्पेकुलेशंस को इंस्पायर करता है कि इस हेविली गार्ड वाली कॉन्फ्लिक्ट में कौन से सीक्रेट्स हिडन हो सकते हैं। जैसे जैसे हम एरिया 51 के मिस्ट्री में डीपर से उतरते हैं, एरिया 51 में डेवलप्ड और टेस्टेड प्रोजेक्ट किए गए जिसने मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर डीपर इम्पैक्ट डाला है, एविएशन हिस्ट्री के कोर्स को शेप दिया है और नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया है। एरिया 51 से उभरने वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट में से एक U-2 स्पाई प्लेन है। कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप्ड U-2 ने सोवियत एक्टिविटी और कैपेबिलिटीज पर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन गैदर करने और US पॉलिसी मेकर को इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। SR-71 ब्लैकबर्ड एरिया 51 से पैदा हुआ एक और आइकॉनिक एयरक्राफ्ट ने एविएशन टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को और भी आगे तक पुश किया। अपनी अनमैच स्पीड और हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी के साथ SR-71 ने अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटीज प्रदान की जिससे यूनाइटेड स्टेट को ग्लोबल हॉटस्पॉट की मॉनिटर करने और विटल इंफॉर्मेशन गैदर करने की अलाउंस मिली।
इन ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स ने न केवल एविएशन कैपेबिलिटीज में रिवॉल्यूशन ला दी, बल्कि सीक्रेट टेक्नोलॉजी और एरियल सर्वेलेंस में फ्यूचर एडवांसमेंट का मार्ग भी प्रस्तुत किया। एरिया 51 के एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से सीखे गए सबक आज भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शेप दे रहे हैं। F-117 नाइट हैक और B-2 स्पिरिट जैसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट की ओरिजिन्स इस सीक्रेटिव फैकल्टी में किए रिसर्च और डेवलपमेंट से हुई है। टेक्नोलॉजिकली जो पॉसिबल था उसकी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाकर एरिया 51 ने यूनाइटेड स्टेट और उसके अलायंस की मिलिट्री सुपेरिटी इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एरिया 51 में डेवलप प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस को कम करके आका नहीं जा सकता है। एनहांसिंग रिकॉनेसेंस को बढ़ाने से लेकर स्टील टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने तक इस सीक्रेटिव फैकल्टी से पैदा हुए इनोवेशन मॉडर्न बैटलफील्ड को शेप देने और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है। सीक्रेसी और क्लासिफाइड मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ एरिया 51 के एसोसिएशन ने पिछले कुछ वर्षों में कई UFO देखे जाने और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दिया है। आइए कुछ मोस्ट फेमस इंसिडेंट्स के बारे में जानें जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है। मोस्ट इनफेमस UFO इंसिडेंट 1947 की रोजवेल क्रैश है। कई लोगों का बिलीफ है कि एक UFO रोजवेल न्यू मैक्सिको के पास क्रैश हो गया था और मिलिट्री ने UFO की डेब्रीज और यहाँ तक कि एलियन बॉडीज को भी रिकवर किया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि डेब्रीज को एरिया 51 में ले जाया गया था एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। एक और वेल नोन इंसिडेंट 1997 की फिनिक्स लाइट दिखना है। हजारों लोगों ने फिनिक्स एरिजोना के ऊपर वी शेप का फॉर्मेशन में नाइट स्काई में लाइट की एक सीरीज को देखने की रिपोर्ट दी, जबकि ऑफिशियल्स ने लाइट को मिलिट्री फ्लेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। UFO एंथुजियास्ट संदेहपूर्ण बने रहे, यह अनुमान लगाते हुए कि ये एक सामूहिक UFOs देखे गए थे और इसमें एरिया 51 शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रूथ सीक्रेसी और स्पेकुलेशंस के लेयर के नीचे दबा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में एरिया 51 UFO और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी के साथ जुड़ाव और भी गहरा हो गया है। बेस के आसपास काउंटलेस एलिज़ देखे जाने की खबर है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि गवर्नमेंट एलियन टेक्नोलॉजी के प्रूफ छिपा रही है और कैद किए गए हुए UFO पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। हालांकि संशयवादी इन दावों को महज स्पेकुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में डिसमिस करते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रिसर्च के लिए पोटेंशियल हब के रूप में एरिया 51 का आकर्षण पब्लिक इमेजिनेशन को मोहित करता रहता है। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है या डिबेट का एक टॉपिक बना हुआ है, लेकिन एक बात सर्टन है, UFO के साथ एरिया 51 के एसोसिएशन ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के बारे में स्पेकुलेशंस के फोकल पॉइंट के रूप में अपने स्टेटस को मजबूत किया है। जैसे जैसे हम एरिया 51 के मिस्ट्री को अनरिवील करना जारी रखते हैं, यह क्वेश्चन भी बड़ा हो जाता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? शायद एक दिन इस सीक्रेटिव फैकल्टी के अंदर क्या छिपा है इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। 2019 में स्ट्रॉन्ग एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस टाइटल से एक वायरल फेसबुक इवेंट ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसने किसी अनलाइक अदर एक कल्चरल फिनोमेना को स्पार्क कर दिया। जो कि एक जोक के रूप में स्टार्ट हुआ, वो तेजी से एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया, जिसमें लाखों लोगों ने सीक्रेट मिलिट्री बेस पर स्ट्रॉमिंग करने में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। 20 सितंबर 2019 को होने वाले इवेंट ने मास मीडिया कवरेज हासिल की और मेमेस और इंटरनेट जोक की एक वेव को इंस्पायर किया। जबकि इनिशियल इंटेंशन लाइट था, स्ट्रॉमिंग एरिया 51 में इंटरेस्ट के ब्रॉडर स्केल ने अथॉरिटी के बीच कंसर्न बढ़ा दी और वार्निंग दी गई गवर्नमेंट ऑफिशियल से। इवेंट के दिन हजारों लोग एरिया 51 के पास नावाडा डेजर्ट में उतरे, जिसमें से कईयों ने एलियन थीम वाले कॉस्ट्यूम्स और साइंस पहने हुए। फेस्टिव एटमॉस्फेयर के बावजूद सिक्योरिटी मेजर्स कड़े कर दिए गए थे और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया था। अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग एरिया 51 इवेंट के रिजल्ट सिक्योरिटी का कोई सिग्निफिकेंट ब्रीच नहीं हुआ और किसी का अरेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली।
हालांकि इसने एरिया 51 के प्रति इंडरिंग फैसिनेशन, यूएफओस और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के प्रति बॉर्डर कल्चर ऑब्सेशन का हाईलाइट किया। इवेंट का इम्पैक्ट अपने इंटेंडेड पर्पस से कहीं आगे तक बढ़ गया, जिससे गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट और इंटरनेट मेमेस की पावर के बारे में कन्वर्जेशन स्पार्क हो गए। इसने एरिया 51 के इंडरिंग अट्रैक्शन और पॉपुलर कल्चर में इसके स्थान की याद दिलाने के रूप में भी काम किया। हालांकि स्ट्रॉन्ग एरिया 51 इवेंट कलेक्टिवली फन और क्यूरियोसिटी का मूवमेंट हो सकता है। इसने अननोन के प्रति बॉर्डर फैसिनेशन और शैडो में हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करने की ह्यूमन डिजायर को भी अंडरस्कोर किया। जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एरिया 51 इवेंट और उसकी आउटकम पर रिफ्लेक्ट करते हैं, एक बात क्लियर है, एरिया 51 के सराउंडिंग की मिस्ट्री हमें कैप्टिवेट और इंस्पायर करती है, जो हमें क्यूरियोसिटी की एंडरिंग पावर और ट्रूथ की खोज को रिमेम्बर करती है। एंड देयर यू हैव इट, एरिया 51 के सीक्रेट और मिस्ट्री की डीप इंफॉर्मेशन, अपनी हिस्टोरियल रूट से लेकर यूएफओ की स्पेकुलेशन वर्ल्ड तक, यह वर्ल्ड वाइड के लोगों की इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करता रहता है। If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe for more content like this. Global warming पर वीडियो देखने के लिए इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर। Thank you for joining us on this journey into the unknown. Until next time, stay curious.